टीम इंडिया ने जिस तरह आज खेला है, आज फॉर अ चेंज एकदम से जब आपने टीवी ऑन किया और वो परफॉर्मेंस देखी तो ऐसा लगा कि ये वाइट्स में T20 कैसे खेल रहे हैं। मतलब कि ये बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान जब खेल रही थी ऐसे लगता था कि पता नहीं कोई बहुत ही बड़ी वेस्ट इंडीज की बॉलिंग लाइनअप आ गई है या कोई बहुत ही बड़ी कोई ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप आ गई है, पाकिस्तान पकड़ ही नहीं पा रहा इनको। जब टीम इंडिया ने बैटिंग शुरू की तो शायद 100 में से कोई एक बंदा ऐसा हो जो ये सोच रहा हो कि इस मैच को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाया जा सकता है, और वो एक बंदा रोहित शर्मा था। क्या आपने टेस्ट मैच कभी ऐसे देखा इस अप्रोच के साथ खेलना? और फिर जैसे बैटिंग की टीम इंडिया ने, आप 20 T20 मैचेस देख लिए जो दुनिया भर में मुख्य जगहों पे हो रहे हैं, इतनी तेज क्रिकेट वहां पे भी नहीं हो रही जितनी तेज कानपुर में इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे हैं। या वो अटैक करते रहे, फास्ट बॉलर को समझ नहीं आ रही थी, पीछे भी कर रहे थे, छक्का लग रहा था, आगे भी कर रहे थे, चौका छक्का सब कुछ हो रहा था। तो क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया का, आइए वीडियो में देखते हैं। इंडिया बांग्लादेश से खेलते हुए ये वही टीम बांग्लादेश है जिनको हमने अपने सर पे पहाड़ बना के बिठाया हुआ था, मगर टीम इंडिया ने जिस तरह आज खेला है, आज फॉर अ चेंज एकदम से जब आपने टीवी ऑन किया और वो परफॉर्मेंस देखी तो ऐसा लगा कि ये वाइट्स में T20 कैसे खेल रहे हैं। मतलब शुरू के 3 ओवर में 55 रन बना के लुक एट देयर स्ट्राइक रेट, जिस तरह स्ट्राइक रेट मेंटेन करके उनको एक मौका मिला कि एक ऐसा ओपोनेंट है जिसके खिलाफ दे कैन ट्राई एंड टेस्ट डिफरेंट kind of approach and they have done it. मतलब रोहित शर्मा was in a brutal way जिस तरह वो batting कर रहे थे, और वाकई लग रहा था कि for a change T20 खेला जा रहा है और ये test cricket नहीं हो रही है। But brilliant performance, KL राहुल ने major runs जो हैं वो chip in किए and 285 पर जो है वो declare किया इंडिया ने, because they want a result out of this। कानपुर में चौथे दिन टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ और मुझे लग रहा था T20 उस वक्त था जब इंडियन बैटिंग कर रहे थे, जब बांग्लादेश बैटिंग कर रहे थे उस वक्त टेस्ट मैच लग रहा था उनके लिए। ये टेस्ट मैच ड्रॉ करना भी बड़ी अचीवमेंट है, 285 रन्स बना लिए हैं और इनिंग्स डिक्लेयर कर दी है 34 ओवरों में। क्या आपने टेस्ट मैच कभी ऐसे देखा इस अप्रोच के साथ खेलना? क्या चीज नजर आई? चीज ये नजर आई एज अ टीम गेम अवेयरनेस, हंगर जीतने की, अपनी परफॉर्मेंस की हंगर नहीं है टीम के लिए। कोई सोच सकता है हम लोग यहाँ पे होती हमारी टीम 110% मैं कहता हूँ, हम ये कभी नहीं सोच सकते थे कि बांग्लादेश के खिलाफ ऐसी बैटिंग नजर आए, ऐसी अप्रोच नजर आए। यहाँ पे तो होना था अच्छा भाई आराम से खेलना, 100-100 करना, अपने रिकॉर्ड में रखना बस, कि यार इंडिया अटैक करेगा। और वेरी फर्स्ट ओवर से आपको नजर आ गया था कि जायसवाल और रोहित शर्मा जिस तरह खेलना शुरू हुए उससे तो एक क्लियर चीज पता चल गई थी कि अब जो है इन्होंने स्लो खेलना ही नहीं है, अब इन्होंने तेजी खेलना है, अब इन्होंने 8-8, 10-10, 9-9, 11-11 जो भी रन्स पर ओवर मिलता है उस पे उन्होंने खेलना ही खेलना है। अब आपको एक चीज समझ आती है, मैं क्यों बार बार बोलता हूँ कि ये बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान जब खेल रही थी ऐसे लगता था कि पता नहीं कोई बहुत ही बड़ी वेस्ट इंडीज की बॉलिंग लाइनअप आ गई है या कोई बहुत ही बड़ी कोई ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप आ गई है, पाकिस्तान पकड़ ही नहीं पा रहा इनको किसी भी शोबे में। तो आपने देखा पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश का इंडिया ने क्या हल किया और आज भी क्या किया, चाहे बांग्लादेश बैटिंग कर रही थी या बॉलिंग कर रही थी, ठीक है, या वो अटैक करते रहे, फास्ट बॉलर को समझ नहीं आ रही थी, पीछे भी कर रहे थे, छक्का लग रहा था, आगे भी कर रहे थे, चौका छक्का सब कुछ हो रहा था। के राहुल अगर खेल रहा है, एक्स्ट्रॉर्डनरी बैटिंग की के राहुल ने, 50-68 आई थिंक किए, एक्स्ट्रॉर्डनरी बैटिंग की विराट कोहली ने भी, और जबरदस्त बैटिंग जिस समय जायसवाल का भी कह चुका हूं सब ने की, रोहित शर्मा ने बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया। मुझे बड़ी हैरानी परेशानी हुई कि भाई ये क्या चमत्कार हो गया कि बांग्लादेश ने जो है वो 233 रन किए और उसके बाद भारत ने जनाब 285 रन पर 9 खिलाड़ियों पर डिक्लेयर कर दी। मतलब आप ये फैसला भाई रोहित शर्मा ही ले सकता है, पिछले टेस्ट मैच में भी जिस तरीके से भारत ने फतह हासिल की है तो उसमें अगर आप देखें तो भाई ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि आप ये देखें 233 रन के जवाब में आप सिर्फ 265 करें 9 खिलाड़ी, इसका मतलब ये कि आप शेर की जिसे कहना चाहिए कछार में हाथ डाल के उसको तंग करना चाहते हैं, उससे जीतना चाहते हैं। जब टीम इंडिया ने बैटिंग शुरू की तो शायद 100 में से कोई एक बंदा ऐसा हो जो ये सोच रहा हो कि इस मैच को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाया जा सकता है, और वो एक बंदा रोहित शर्मा था जिसने अपनी टीम को ये सोच दी कि हम इस मैच में कुछ कर सकते हैं। और फिर जैसे बैटिंग की टीम इंडिया ने, आप 20 T20 मैचेस देख लिए जो दुनिया भर में मुख्य जगहों पे हो रहे हैं, आप उनके आप देखें कि 20 ओवर के अंदर कितने रन बनते होंगे, 160 ऑन एवरेज रन बनते होंगे, पार्टी विकेटें दुनिया भर में वाइट बॉल के अंदर हो रही हैं, इतनी तेज क्रिकेट वहां पे भी नहीं हो रही
जितनी तेज कानपुर में इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे हैं। और कम से कम हम लोग ये पाकिस्तानी ये नहीं कह सकते कि माठी टीम है, क्योंकि इसी टीम के हाथों हम दो टेस्ट मैचेस हारे हैं। और जो कमाल किया है इंडियन बैटर्स ने, दाद बनती है, तारीफ बनती है, मतलब थोड़ा दिल बड़ा रख के तारीफ करनी बनती है कि ये कमाल हुआ है, ये वो क्रिकेट खेल रहे हैं जो इमेजिनेशन में खेली जाती है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, आप हैरान कन होगी उन लोगों के लिए भी। आप यकीन माने बहुत से लोग होंगे पाकिस्तान में जो शायद ये टेस्ट मैच लाइव नहीं देख रहे होंगे, मगर अब जो हुआ उसके बाद हाईलाइट जरूर देखेंगे। यार ये कैसा खेल गए हैं, कैसे खेल के गए हैं। केएल राहुल, विराट कोहली के ऊपर जो इंडियन कुछ जर्नलिस्ट भी चमक रहे होते हैं ना कि इनका स्ट्राइक रेट का मसला है, वो टेस्ट को T20 बना के खेले हैं। आप अंदाजा कर लें, 3.5 ओवर में पहली विकेट गिरी थी, स्कोर पता क्या था इंडिया का 55, 4 ओवर में 55 रन। वुड यू इमेजिन 4 ओवर में। खेल कौन रहा है, 37 वर्ष के रोहित शर्मा, उनके साथ 22 वर्ष के जयसवाल, ये ओपन के लिए आए हैं। 15 ओवर में 127, 20 ओवर में 160, 64, बंदा दंग रह जाता है यार, टेस्ट क्रिकेट है ये। और आप सोचें, मतलब मैं वो पहले देख रहा था परसेंटेज, तकरीबन 90% पे तो ड्रॉ था, 85-90% पे ड्रॉ था यार, इसमें कुछ नहीं बनना। और अब देखें, आप खुद देखें क्या परसेंटेज बनी हुई है, मतलब इंडिया कह रहा है क्या है, मतलब मैक्सिमम दो ही ऑप्शन हो सकती हैं, एक ड्रॉ और एक इंडिया की जीत, बांग्लादेश की जीत नहीं है। और ये सोच की वजह से चेंज हुआ, ये सोच की वजह से चेंज हुआ कि जाओ एकदम अटैक कर दो। जिस अंदाज में इंडिया ने इस टेस्ट मैच को अप्रोच किया है, जिस अंदाज में इंडिया ने इस टेस्ट मैच को ड्राइव किया है, जिस अंदाज में इंडिया ने इस टेस्ट मैच को इसका नतीजा निकालने की कोशिश की है, ये अप्रोच और ये हिकमत अमली जो है, ये खालिस्तन न सिर्फ टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखती है, बल्कि टेस्ट क्रिकेट की हुसन में, दिलकशी में, उसकी दिलचस्पी में, उसकी मकबूलियत में इजाफे का बाश बनती है। जिस तरीके से इंडिया ने इस टेस्ट मैच को अप्रोच किया, आप देखें कि जिस अंदाज में उन्होंने पहले 7 विकेटें ली हैं उनकी बांग्लादेश की, और उसके बाद जिस अंदाज में आगाज किया जयसवाल ने और रोहित शर्मा ने बैटिंग का, तो वो एक क्लियर, आप एक तो होता है ना कि क्लियर मैसेज था, कि एक होता है कि इशारा देना, एक होता है इशारा देना, वो इशारा नहीं था, वो एक वाजे पैगाम था इंडिया की बैटिंग की तरफ से कि हम इस टेस्ट मैच को यहां से फैसला कुन बनाने के लिए मैदान में उतरे। इस दो दिनों के खेल में हमें जितना मौका मिलेगा हमने इस टेस्ट मैच को फैसला कुन बनाना है, हमने इस टेस्ट मैच का नतीजा निकालना है। पहले जब उन्होंने 7 विकेटें हासिल की हैं आज के दिन में, और उसके बाद जिस तरीके से आगाज किया बैटिंग का रोहित ने और जयसवाल ने, वो एक वाजे पैगाम था कि टेस्ट मैच को हमने फैसला कुन बनाना है। और ये वो पैगाम था जिसमें आपको एक पूरे का पूरा थॉट प्रोसेस नजर आता है, जिसमें आपको पूरे की पूरी क्लैरिटी नजर आती है, जिसमें आपको रोल नजर आता है कि किसने क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। और ये वो चीज है कि जो 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 इंटेंट की बात होती है, ये वो इंटेंट है जो असल में आप इंटेंट की, जो अगर आपने डेफिनेशन के ऊपर जाना है ना, तो ये डेफिनेशन है इंटेंट की, जिसको आज रोहित और जयसवाल ने, उसके बाद शुभमन ने और केएल ने और विराट ने एक्सप्लेन किया है अपनी बैटिंग के जरिए। तो क्या कहना है आपका इस वीडियो के बारे में, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पाकिस्तानी मीडिया की ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।